हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ बीएमएस कॉलेज सीरीज, जिसमें हम बात करते हैं बीएमएस के काफी अच्छे कॉलेजेस के बारे में। तो काफी दिन से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी क्योंकि मुझे फ्लू हो गया था एंड ऑल्सो मेरे बीएमएस के एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो बहुत सारा कुछ हो रहा है लाइफ में। सो आई कुडंट मेक अ वीडियो एंड मैं शूट भी नहीं कर पा रही थी, साथ साथ में मैं आपकी क्वेरीज का रिप्लाई भी नहीं कर पा रही थी इंस्टाग्राम पे। बट अभी आप क्वेरीज पूछ सकते हो एंड जैसे ही मुझे थोड़ा भी टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की क्वेरीज को सॉल्व कर पाऊं। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे कॉलेज के बारे में, जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। आज का जो कॉलेज है ना, वो इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है। पहले तो इसकी फी बहुत चीप है, ये चीपेस्ट कॉलेज है, मोस्ट अफोर्डेबल कॉलेज है थ्रू आउट द इंडिया। और साथ साथ इसका हॉस्पिटल बहुत फेमस है एंड इसका इंटर्नशिप एंड पीजी का स्टाइपेंड काफी ज्यादा हाई है। आई थिंक इंडिया में सबसे ज्यादा हाई स्टाइपेंड वाला कॉलेज है। सो बिना सस्पेंस रखते हुए मैं ये बता देती हूँ कि कौन सा कॉलेज है। इट इज AUTC न्यू दिल्ली, विच स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदा एंड यूनानी टीबिया कॉलेज न्यू दिल्ली। सो आज हम बात करने वाले इसी कॉलेज के बारे में एंड इस वीडियो के बाद होपफुली आपको हर एक चीज पता चल जाएगी इस कॉलेज के बारे में, और साथ साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी जो रैंक या फिर आपके जो मार्क्स है उस पर आपको ये कॉलेज अलॉट हो सकता है या फिर नहीं। नंबर वन इज कट ऑफ। तो हमेशा की तरह हम सबसे पहले कट ऑफ की बात करेंगे एंड कट ऑफ दो तरीके का जाने वाला है। एक तो दिल्ली कोटा के लिए अलग कट ऑफ जाता है, जो 85% की सीट है वो आपकी दिल्ली कोटा से रहती है एंड 15% सीट्स का अलॉटमेंट होता है आपकी AIQ काउंसलिंग, जो AACCC की आपकी काउंसलिंग होती है उसके थ्रू। तो दोनों का कट ऑफ अलग अलग जाता है। तो हम दोनों देखेंगे कि आपका स्टेट कट ऑफ 2022 में क्या गया था एज वेल एज आपका सेंट्रल का कट ऑफ क्या क्या गया था। सो AIQ काउंसलिंग में जनरल कैटेगरी के लिए था 23,372 रैंक, OBC के लिए 24,414, EWS के लिए 26,768, यहाँ पे थोड़ी सी लो रैंक गई है, ST के लिए 1,26,217 एंड ST के लिए 1,88,843 रैंक गई है। आप देख सकते हो कि रैंक काफी अच्छी गई है यहाँ पे, जहाँ पे हमारे तीन कॉलेजेस हैं जो सेंट्रल के NIA हो गया, ITRA जामनगर हो गया एंड BHU हो गया, ये जैसे ही क्लोज होते हैं वहां से ही ये कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप BMS को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, आपको लग रहा है कि कट ऑफ काफी कम जाने वाला है, तो ऐसा नहीं है, कट ऑफ काफी अच्छा जाता है इस कॉलेज का। एंड नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि दिल्ली कोटा से क्या कट ऑफ गई थी। तो जनरल के लिए 40,389, EWS के लिए 45,180, OBC के लिए 58,872 की रैंक गई थी, ST के लिए 1,87,157 एंड ST के लिए 4,73,222। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कट ऑफ सारे मिल जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो अगर आपके आसपास में रैंक आ रही है या फिर आसपास के आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको ये कॉलेज मिल सकता है। सेकंड थिंग इज फी स्ट्रक्चर। तो फी स्ट्रक्चर के लिए कॉलेज काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ की ईयरली फी जो है वो 2400 की है सिर्फ, इंक्लूडिंग द हॉस्टल, यानी कि ट्यूशन फी प्लस हॉस्टल फी आपकी सिर्फ 2400 की रहती है। तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी ऐसे कॉलेज को लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपने एक बार फी दे दी सिर्फ 2400 की, तो अगर आपके कॉलेज आपको एक्स्ट्रा पैसे घर से जो आ रहे हैं वो आप अपनी शॉपिंग वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज हॉस्टल। तो हॉस्टल के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, बट एक चीज जो आपको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि यहाँ पे हॉस्टल की ऑक्यूपेंसी थोड़ी सी कम है, तो वो ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं ऑल इंडिया वाले स्टूडेंट्स को। तो अगर आप ऑल इंडिया से एडमिशन ले रहे हो तो वहां पे तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा, बट अगर आप दिल्ली से हो तो वो आपको प्रायोरिटी नहीं देने वाले हैं। अगर वहां पे जगह होती है तो दिल्ली कोटा वाले बच्चों को वहां पे हॉस्टल मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता है। अगर आपका कोई स्पेशल केस है तो वो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, अदरवाइज जितनी ऑक्यूपेंसी है उसके अकॉर्डिंग ऑल इंडिया वाले बच्चों को तो जरूर हॉस्टल मिल जाएगा। टॉकिंग अबाउट द हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये 1889 का एस्टैब्लिश हॉस्पिटल है एंड 1889 से अभी तक ये कॉलेज चला आ रहा है। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि कितना अच्छा पेशेंट इनफ्लो होगा यहाँ का, क्योंकि ऑलमोस्ट आसपास के जितने भी लोग होंगे सबको एटलीस्ट यहाँ के बारे में पता तो जरूर होगा कि ऐसा कोई कॉलेज या फिर ऐसा कोई आयुर्वेदिक हॉस्पिटल वहां पे एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे करेंटली 28 डिपार्टमेंट्स हैं, BAMS एंड BUMS दोनों को इंक्लूड करके 300 बेडेड हॉस्पिटल है, 500 प्लस की OPD है एंड साथ में 60 बेडेड एक मैटर्निटी सेंटर है जो काफी अच्छा ऑपरेशनल है। नेक्स्ट इज इंटर्नशिप स्टाइपेंड। तो इंटर्नशिप स्टाइपेंड यहाँ का 23,500 का रहता है, जो काफी अच्छा स्टाइपेंड है एज कम्पेयर टू अदर BMS कॉलेजेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज PG। तो PG की करेंटली यहाँ पे 18 सीट्स हैं एंड 28,000 यहाँ की फी रहती है। यहाँ पे करेंटली चार ब्रांचेस से PG करवाई जा रही है, विच इज फिजियोलॉजी,
द्रव्य गुण, काय चिकित्सा एंड पंचकर्मा। एंड यहाँ का जो पीजी का स्टाइपेंड है वो काफी अच्छा रहता है एंड ये ऑल ओवर द इंडिया सबसे हाईएस्ट स्टाइपेंड देने वाला कॉलेज है। फर्स्ट ईयर के लिए 91,000, सेकेंड ईयर के लिए 93,000 एंड थर्ड ईयर के लिए 96,000 रहता है। एंड खबर ऐसी भी आई थी कि अभी ये बढ़ के 1,10,000 तक का हो गया है। अगर ये खबर सच है तो ये हमारे लिए काफी अच्छी चीज रहने वाली है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द AUTC। होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसा ही एक और कॉलेज है न्यू दिल्ली में ही, चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान, तो उसके बारे में भी हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। उस कॉलेज को भी रिव्यू करेंगे, वो भी काफी अच्छा कॉलेज है एंड एस्पिरेंट्स में काफी ज्यादा डिमांड में भी रहता है। उस कॉलेज के बारे में भी हम सब कुछ जानेंगे। एंड साथ में मैं ये भी सोच रही थी कि मैं प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में भी वीडियो बनाऊं। प्राइवेट कॉलेजेस में भी जो भी आपको जिस कॉलेज के बारे में जानना है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। अगर मुझे ऐसा लगा कि उस कॉलेज के बारे में मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगी। So that was all about the video and don't forget to tell me in the comment section कि आपको next video किस topic पे चाहिए। Okay, bye.